हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स फॉर चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी एफ कैट, जो कि 2020 की वैकेंसी है और जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और जो क्लोज होगी, देखिए आप पढ़ सकते हैं, 1 दिसंबर 2019 स्टार्ट होगी और क्लोज होगी 30 दिसंबर 2019 को। और जो इसका कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है आपका 2021 जन में। और देखिए ये मतलब एनसीसी स्पेशल एंट्री की भी वैकेंसी है इसके अंदर। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन Air Force invites men and women from Indian citizen as per Citizen Act to be part of Indian Air Force SSC technical and non-technical दोनों है। तो ये बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनवरी 2020 ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। देखिए बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज कितनी है। जो फ्लाइंग ब्रांच में SSC की वैकेंसी है वो 60 है यहाँ पर, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में देखिए वैकेंसी परमानेंट कमीशन की 43 है। आप ये देख सकते हैं, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे कि आप इजीली पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आगे बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है, देखिए 10% जो सीट्स रिजर्व है वो CDSE कैंडिडेट्स के लिए हैं और 10% जो सीट्स है वो एफ कैट वैकेंसीज फॉर SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। बाकी वैकेंसीज आपको ये इसमें दी जाएंगी एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंदर। देखिए यही है। और आगे अगर बात करी जाए तो ये जो आपका इनिशियल एंगेजमेंट होगा, इनिशियल एंगेजमेंट मतलब देखिए, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच में आपको ये मांग रखी है आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 से 24 साल। देखिए 20 से 24 साल मांग रखी है एज ऑन जनवरी 2021। जनवरी 2021 ना तो 20 साल से पहले की होनी चाहिए, 24 साल के बाद की होनी चाहिए। देखिए जो इसमें मतलब आपकी सर्विस रहेगी वो 10 ईयर्स की रहेगी फॉर टैक एंड नॉन टैक ग्राउंड ड्यूटी के लिए। आगे बात करें तो नोटिफिकेशन, आप ये डिटेल नहीं है, ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, आप इनकी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही मुझे प्रोवाइड होगा मैं आपके लिए नई वीडियो डाल दूँगा। अगर बात करें तो इसमें सेवन्थ पे कमीशन मिल रही है आपको। इधर देखिए, यहाँ पर सेवन्थ पे कमीशन मिल रही है और जो वो है 56,100 से 110,700 तक। MSP 15,500। और बाकी आपको सारे जो अलाउंसेज मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो आपको सारी प्रोवाइड होंगी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर, तो आगे देखिए यहाँ पर आपका वो ट्रैवलिंग अलाउंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपका जो टू एंड फ्रो जो फेयर होगा वो प्रोवाइड करा जाएगा एयरफोर्स की वजह से। आगे देखिए मेरिटल स्टेटस, बंदा जो होना चाहिए वो अनमेरिड होना चाहिए। और आगे देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके बात करें आगे फिजिकल कंडीशन है, कम से कम आपको 1600 मीटर रनिंग आनी चाहिए, यानी कि 1 मील इन जस्ट 10 मिनट्स, 3 चिनअप्स करने आने चाहिए और 10 पुशअप करने आने चाहिए। तो ये आपका SSB में करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।